He didn't like the British rule. He went to jail several times in 1931 and 1942 for Satyagraha Andolan and Quit India Andolan. He was a simple man, but he was a scholar. He died on 28 February 1963. मैंने इसीलिए अपने गांव में ही, अपने शहर में ही, सीवान के नाम से और अपने धरती पे जन्म बॉर्न जहाँ किए उस धरती पे ही स्कूल ओपन किया. The answer sheet examinations is better the examiner. Thank you. नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO News. नमस्कार, स्वागत है आपका SEO News में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस. मैं बता दूँ, आज सिवान जिले के डॉक्टर राजेंद्र बाबू के धरती पे हम उनके पैतृक आवास पे हैं और आज बढ़िया विधानसभा के अंतर्गत में एक नया स्कूल बना है जो कि सिवान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल. आज उस स्कूल के बच्चे कुछ आए हुए हैं और हम बता दें सिवान ज़िला में ऐसा कोई बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट प्लेस नहीं है जहाँ पे बच्चे जाकर अपना फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सके. ये जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड में इनके नाम से लोग जानते हैं. ये सिवान ज़िले से ही बिलोंग करते थे. कुछ बच्चे हैं, हम जानना चाहेंगे इनसे राजेंद्र बाबू के बारे में, ये कितना जानते हैं और कितना छात्र आए हुए हैं बढ़रिया से होकर यहाँ पे घूमने के लिए. क्या नाम पड़ेगा आपका? सारिक राजा. पहली बार आप आए थे कभी या ये पहली बार? नहीं, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ. पहली बार आए? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सिवान इंटरनेशनल स्कूल एट लगवान. कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8 में पढ़ता हूँ. क्लास 8 में पढ़ते हैं जी. राजेंद्र बाबू के बारे में जानकारी है आपको? राजेंद्र बाबू के बारे में कौन नहीं जानता है. क्या जानकारी है आपको, कुछ बताइएगा. राजेंद्र बाबू हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनका पहला एलिमेंट्री एजुकेशन जो हुआ है वो मौलवी साहब से पढ़ के ही अपना कंप्लीट किए हैं. और पटना गए पढ़ने, तो पटना में एडमिशन लिए गौस एकेडमी, जिसमें वो एडमिशन लिए थे उस एकेडमी का नाम है गौस एकेडमी जहाँ वो पढ़ते थे. और कलकत्ता में मतलब वो गए, फिर वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके अपना कलकत्ता में गए पढ़ने. वहाँ पर उनका पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो चुका था और वो राजनीतिक में आ चुके थे जी. कैसा लगा आपको यहाँ पे घूमकर? बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. सीखने को मिला, आज कुछ इम्प्रेशन मिला आपको? जी मिला इम्प्रेशन, देखकर बहुत कुछ मिला इम्प्रेशन. देश के लिए कुछ करने के लिए मिला इम्प्रेशन, देश के लिए जान देने के लिए मिला इम्प्रेशन. क्या नहीं मिला यहाँ देखकर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. कर पड़ेगा बाबू मेरा? हाँ, महबूब छपरा. महबूब छपरा पड़ेगा. कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 7th. कौन सा स्कूल में? क्या नाम पड़ेगा आपको, बताइए पूरा. सिवान इंटरनेशनल स्कूल. कहाँ है? लोवान में. हाँ, कुछ बताइए डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बारे में, जानते हैं? हाँ, बताइए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ ग्रेट लीडर फॉर इंडिया. He was born on 3rd December 1884 at Jiradei, District Siwan of Bihar. He was a student of Jila School Chhapra. He was very intelligent. He stood first in all the examination. He became a lawyer. He wanted to free India. He didn't like the British rule. He went to jail several times in 1931 and 1942 for Satyagraha Andolan and Quit India Andolan. He was a simple man, but he was a scholar. He died on 28 February 1963. That's all. Thank you. Okay. Dr. Rajendra Babu ke baare mein kuch janti hain is dharti pe aayi hain to aap? Yes, sir. As we know that Dr. Rajendra Prasad was a freedom fighter, social activist and a lawyer. He was the first president of independent India from 1950 to 1962. He was born 3rd December 1884 in Jiradei village of Siwan district. He did his basic schooling from Chhapra and high school from Patna. He first started his career as a teacher and he then became a noted lawyer. Thank you. आज उस स्कूल के बच्चे इस उनके पैतृक आवास पे घूमने आए थे. आप लोग स्क्रीन पे भी वीडियो को देख रहे होंगे किस तरीके से बच्चे घूम रहे हैं और कितना इन लोगों को हैप्पीनेस रियलाइज़ हो रहा है. हम बात करेंगे उस स्कूल के संस्थापक कह लीजिए या डायरेक्टर कह लीजिए, हम राजा भाई से बात करेंगे. बच्चों लोगों को घुमा रहे हैं जी. वजह क्या है? वजह यही है कि यहाँ पर लाकर दिखाना चाह रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो विलेज है वो कैसा है और उन्होंने क्या किया देश के लिए जी.
इसके अलावा सिर्फ सिवान में ही सीमित रहना है या बच्चों लोगों को कहीं और पे भी सोच है? नहीं, अभी हमारा प्लान वही था कि नेक्स्ट आउट ऑफ स्टेट ले जाने के लिए जी, लेकिन कोविड को लेकर और बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रहा है इसलिए हम लोग यहाँ लेकर आए। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? बहुत फ़ायदा होगा। जैसे में बच्चे इसमें रुचि रखते थे, एक दो बार रिक्वेस्ट किए, हम बोले यहीं लेके चलते हैं। तो आज छोटे छोटे बच्चे अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड कहलाते क्लास स्टैंडर्ड क्लास का जी जी, छोटे छोटे बच्चों को क्या कुछ? छोटे छोटे बच्चों को जो वन से नीचे हैं उनको सिवान में ही विजिट कराएं नर्सरी में, और जो सीनियर है वन से टेन तक उनको जीरा दिल लेकर आए, टूरिस्ट प्लेस पे घुमाया जाए। लेकिन सिवान में आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं, क्या किस तरीके से बहड़िया को लेकर जाना चाहते हैं आप? स्कूल के माध्यम से? एक स्कूल मैंने इसी माध्यम से खोला ही कि ताकि अपने जो बहड़िया प्रखंड में स्कूल तो था ही, अपने इलाके का जैसे कि मैं चाह रहा था कि डेवलप हो और बच्चे पढ़े एजुकेटेड हो, तो मैंने इसीलिए अपने गांव में ही अपने शहर में ही सिवान के नाम से और अपने धरती पे जन्म बॉर्न जहाँ किए उस धरती पे ही स्कूल ओपन किया। अदर स्कूल में और आपके स्कूल में कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ आप डेवलप कर रहे हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह है आपके स्कूल में? जी जी, कंप्यूटर लैब और लैब भी है जी, स्मार्ट क्लास भी है, इंडोर आउटडोर गेम भी है। क्या बाहर जैसे पूरा फैसिलिटी दे रहे हैं आप यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, आप कभी भी आके विजिट कर सकते हैं, एडमिशन फ्री है अभी। अब एडमिशन फ्री है, कब आप स्कूल खोले थे? एक साल होने वाला है। तो क्या हुआ था सिचुएशन स्कूल खुलने के बाद? कुछ स्कूल तो जैसे ओपन हुआ उसके 20 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया जी, लेकिन फिर भी सबका सहयोग रहा, हम लोग अड़े रहे और बच्चे भी ऑनलाइन क्लास किए, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हम कराते थे, खुद का ऐप हम लोग का था सिवान इंटरनेशनल स्कूल का, उसी पे क्लास चलता था। और कितना बच्चे हैं अभी? 600 प्लस है अभी। 600 प्लस जी। बच्चों लोगों को घुमाने से मुझे लगता है कि शायद जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो दूर होता जी, है। जी बिल्कुल। एक बात, क्या आउट बिहार लेकर जाना चाहेंगे नेक्स्ट बार? जी जी बिल्कुल, ऐसा होगा? बिल्कुल। गरीब बच्चों के लिए कुछ स्कूल में छूट है कि? जी जी है। किस प्रकार का? अभी भी हमारे स्कूल में लगभग 30-40 बच्चे हैं जिनका हम लोग फी नहीं लेते हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, जो पढ़ा नहीं पाते हैं पेरेंट्स। जी जी। अच्छा, तो चलिए एडमिशन कराने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया, थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा इस पे। जी, उसमें आपका ब्लड ग्रुप चाहिए बच्चों का, पेरेंट्स का आईडी चाहिए और स्टूडेंट का भी आईडी चाहिए, फ़ोटो चाहिए और टीसी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड है आपका? जी। बच्चे आपके जितने से बात किए मैंने, मोस्टली अंग्रेजी बोल रहे हैं, किस तरीके के आप गाइड कर रहे हैं उन लोगों को? जी, इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है आज के डेट में जी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा फोकस उसी पर देते हैं, अंग्रेजी पे। जी जी, सीबीएसई पैटर्न है तो उस पर पढ़ाना तो हो गई। कितना टीचर हैं? 27 है। 27 है। नर्सरी से लेकर कौन सा क्लास तक है? 10 तक है। 10 तक है जी, यानी 50-60 लोगों को रोजगार मिला है आपके स्कूल से? जी जी बिल्कुल, उम्मीद है जी। 10 तक है जी। तो चलिए एडमिशन कराने के लिए अभी भी कब तक छूट रहेगा आपके स्कूल में? अभी एक दो महीने रहेगा। चलिए, शुक्रिया। तो ये इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चे हैं, बातचीत चल रही है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बारे में जानने की बात हो रही है, हालांकि लड़के मोस्टली अंग्रेजी में बोल रहे हैं। चलिए, क्या नाम है? जी, मेरा नाम फहीम अख्तर है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? जी, हम क्लास 7 में पढ़ते हैं। क्या कुछ जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बारे में? जी, वो हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट हैं जी, तो उनके बारे में कौन नहीं जानता। जी जी, तो थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। तो वो हमारे इंडिपेंडेंट भारत के पहले प्रधान प्रेसिडेंट हैं। ही वॉज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ही वॉज़ बॉर्न ऑन 3rd December 1884 इन जीरा देवी, वेयर आई स्टैंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिवान, एंड ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ टीचर एंड देन बिकम अ नोटेड लॉयर। ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज बेसिक स्कूलिंग फ्रॉम छपरा एंड हाई स्कूल फ्रॉम पटना। That's all. He died in 28 February 1963 in Patna after resigning as the president. क्या नाम पड़ेगा आपका? सहिस्ता सिद्दीकी। कहाँ घर पड़ेगा आपका? बढ़रिया। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? स्टैंडर्ड 8। कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बारे में?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया. ही सर्वड इन द पोजिशन फ्रॉम 1950 टू 1962. ही वॉज ऑल्सो प्रोफेसर स्कॉलर एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स. ही वॉज बॉर्न ऑन 3rd December 1884 इन जीरादई इन द सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू रिच फैमिली. हिज फादर नेम वॉज महादेव शाही श्रीवास्तव. ही वॉज ए संस्कृत स्कॉलर. हिज मदर नेम इज कमलेश्वरी देवी. सी वॉज ए प्योर वॉमेन. ही सीक्रेट द फर्स्ट पोजिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ही वॉज मैरिड टू राजवंशी देवी इन June 1896 एट द अर्ली एज ऑफ 12. एज ए स्टूडेंट इज इम्प्रेस पीपल विद हीज इंटलेक्ट. वंस एग्जामिनर हैड कम्युनिकेट इज द एंसर सीट एग्जामिनेशन इज बेटर द एग्जाम एग्जामिनर. थैंक यू. चलिए कुछ जानते हैं राजेंद्र बाबू के बारे में, बताइए. सी आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ ग्रेट सन ऑफ बिहार. ही वॉज बॉर्न इन 1884 इन ए स्मॉल विलेज जीरा दे इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिवान. ही वॉज सक्सेसफुल लॉयर बट ही ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट. ही वॉज सेंट टू जेल सर्वल टाइम्स. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज elected president Indian Congress more than after India become free in 1947. He become the first president of our free country. He retired in 1962 and he did on February 28, 1963. Dr. Rajendra Prasad was scholar and writer. He was a simple and honest man. Thought he is no more. He is very much alive in the mind of every woman, every Indian. Thank you.